हाय एवरीवन, मैं हूं हसन शोकत और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद हसन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूज़ रिस्ट। हम अपनी कलाई, अपनी रिस्ट का यूज़ करके अपनी फास्ट बॉलिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह हम एक्स्ट्रा मूवमेंट और एक्स्ट्रा स्विंग और एक्स्ट्रा पेस हासिल कर सकते हैं, दोस्तों ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पेशली सीम बॉलर्स और स्विंग बॉलर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आप क्लब क्रिकेट भी खेलते होंगे और एकेडमीज में भी जाते हैं, वैसे भी पार्ट टाइम खेलते हैं। अब आपने सीनियर से भी आपने कभी ये पूछा होगा कि कैसे स्पीड इंक्रीज करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर एक नहीं बताते हैं किस तरह। वो आपको ये कह देंगे रनिंग किया करो, बारीकी से बॉलिंग किया करो, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है जो आपको क्लब में या अकेडमीज में कोचेस भी नहीं बताते हैं कि किस तरह स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो आप बाजू घुमाते हैं, बाल करवाते हैं फास्ट बॉलिंग, आपकी स्पीड होती है 100 होती है, 110 होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, शुएब अख्तर थे, अब मिचेल स्टार्क हैं या शहनशाह अफरीदी हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, जिसकी उम्र की आप मिसाल ले रहे हैं, तो और काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स हैं। आप देखते हैं जब बॉल करते हैं तो उनका एंडिंग पॉइंट होता है, जब वो बॉल को रिलीज़ करते हैं उनकी जो रिस्ट पोजीशन होती है, कभी आपने उस पर गौर किया तो वो रिस्ट का यूज़ कैसे करते हैं जब बॉल रिलीज़ करते हैं, इस तरह बॉल को जोर के साथ डेक में डालते हैं, लाइन में डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मूवमेंट मिलती है, पेस ज़्यादा मिलती है, एज लगता है, विकेट्स मिलती हैं उनको। दोस्तों, ये आपको बताऊंगा कि रिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं और रिस्ट पोजीशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं आप, किस तरह आप जो है स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैं फास्ट बॉलिंग की ग्रिप का लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और इसके वीडियो के ऊपर भी आपको मिल सकता है। फिर आपको थोड़ा रिकैप कर दूँ, फास्ट बॉलिंग ग्रिप थी, सीम के ऊपर आपकी ये दो फिंगर्स हैं बिल्कुल ऊपर आएँ और साथ रिंग फिंगर जो आपका ये इसका स्पोर्ट और नीचे अंगूठे का स्पोर्ट, सीम की आप इस तरह भी रख सकते हैं अंगूठा, इस तरह भी आपकी मर्जी है जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे। चलो दोस्तों, ये तो ग्रिप होगी, आप ये है कि रिस्ट को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, जब आप बाल को रिलीज़ करते हैं, आप ये बाल रिलीज़ करने के लिए आए, ये बाल अपनी बार रिलीज किया, आपका एंडिंग पॉइंट ये, पहले आप बाल को इस तरह ही छोड़ देते हैं, इस तरह हम करते हैं, बाल जो आपका थोड़ी स्पीड के साथ जाता है, इतनी आपको स्पीड नहीं मिलती है। ये वजह यह है कि आप अपनी रिस्ट पोजीशन यूज़ नहीं करते हैं, रिस्ट को यूज़ नहीं करते हैं, कलाई को, इन फिंगर्स को, अंगूठे को, ये चीज़ जो हमारी है इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसी वजह से आपको मूवमेंट आपकी बाल तेज़ नहीं जाती है, स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती है और आप परेशान हैं कि हमारी स्पीड किस तरह इंक्रीज़ हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दूँ, जब आपने बाल को रिलीज़ करना है तो बाल को ये कलाई के साथ आपने इस तरह, ये चीज़ है फास्ट बॉलिंग में रिस्ट यूज़ करने का, ये ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं आप, जब आपका एंडिंग पॉइंट होगा तब आपने बाल को और कलाई को रिस्ट को इस तरह झटका देना है, ये चीज़ आप देख, झटका आपने देना है, झटका देने से आपकी जो स्पीड है वो दुगनी हो जाएगी। अगर आपको पहले ये रिस्ट यूज़ करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी वाइड बॉल्स होंगी थोड़ी सी, लेकिन अगर आप ध्यान के साथ बॉल करेंगे तो आपकी वाइड बॉल्स भी नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आप घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हम अपने रिस्ट पोजीशन को बेहतर कर सकें ताकि हमारा रिस्ट पोजीशन पर, हमारी ग्रिप पर कंट्रोल है, दोस्तों उसकी बेस्ट ड्रिल्स ये है कि आप एक दीवार के सामने खड़े हो जाएँ और अपने शोल्डर में, मतलब अपनी कलाई में बॉल पकड़ कर इस तरह जैसे हम दीवार को पेंट करते हैं ना, इस तरह आप दीवार को इस तरह करें, रिस्ट को ऊपर नीचे इस तरह, ताकि आपकी जो रिस्ट और कलाई है जो वो यूज्ड हो जाए, इस तरह भी आप ड्रिल कर सकते हैं बॉल को पकड़ के, ताकि आपकी ये कलाई रिस्ट है जो वो यूज्ड हो जाए और आपको मुश्किल ना हो, आपकी लैंड लाइन ख़राब ना हो, आप जहाँ पे बॉल करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो ट्रिक था जो आपके कोचेज और आपके सीनियर्स ने भी कभी आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, आप इसको ट्राई करें, उम्मीद करता हूँ आपको 100% इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिले या आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ, दोस्तों कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है
अपने भाई अपने दोस्त की हौसला अफजाई के लिए आपने मुझे ये बताना है कि ये मैंने आपको टिप्स बताया है रिस्क पोजीशन यूज़ करने का, आपको कुछ इसका बेनिफिट भी हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियोस डालूं सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाए, आपको पता चल जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।